फिर एक बार मेरे साथ है बकवास प्रसाद और उसकी पोथी, हाँ हाँ, जिसमें फूले नहीं समारी ये हाल में हुई बकवास पूर्ण बातें। चल जमूरे पन्ने खोल, बकवास बोल पे हमला बोल। मनीष तिवारी ने कहा जनता पिछले 9 साल का काम देख कर वोट देगी। हाँ, आपके कहने का मतलब है कि विपक्ष 100% जीतेगा। चिदम्बरम ने कहा मोदी को लेकर हर जगह विवाद है। हाँ, विवाद तो है क्योंकि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं कि मोदी के पक्ष में वो भी वोट दे सकते हैं। कांग्रेस ने कहा भाजपा को भगवान ही बचा सकता है। भाजपा फिर भी बेहतर स्थिति में है क्योंकि कांग्रेस को तो अब भगवान भी बचा नहीं सकते। कपिल सिब्बल ने कहा कि वो मोदी को अनूठा सबक सिखाएंगे। हाँ, वो क्या है कि गुजरात का विकास मॉडल कांग्रेस शासित राज्यों में लागू कर देगा। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। इस पर मनमोहन ने कहा है कि पार्टी के ऐसे नियमों की वजह से अंधे के हाथ बटेर लगते हैं और मेरे जैसे लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ये मुहावरा हमारी पार्टी की वजह से ही बना। हेमा मालिनी ने कहा है कि पहले की अपेक्षा अब फिल्मों में काफी नंगापन आ गया है। हाँ, इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ये अभी और बढ़ेगा क्योंकि मैं अब फिल्मों में भी काम करूंगा। राहुल गांधी को भेजा गया आखिरी टेलीग्राम, जिसमें राहुल को देश का भला करने के बहुत सारे सुझाव दिए गए, जिसके बारे में राहुल बाबा बाद में कहेंगे कि उन्हें टेलीग्राम मिला ही नहीं। मनीष तिवारी ने कहा कि कांग्रेस की जीत राहुल जी पर निर्भर करती है। बस आपको देखना ये है कि राहुल बाबा कहीं से खड़े ना हो जाए बस। यूपी सरकार अपराधियों को पकड़ने के लिए ट्रेनों में CCTV लगाएंगे। लेकिन सारे नेता तो हवाई जहाज में सफर करते हैं। चिदम्बरम ने कहा राहुल गांधी से बड़ा देशभक्त नहीं देखा। इसका मतलब आप कांग्रेस के दफ्तर के बाहर कभी गए नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पूछा संजय दत्त ने पुलिसगिरी क्या सोचकर की थी। अगर सोचकर की होती तो क्या की होती। पूनम पांडे ने कहा कि मैं किसी भी भाषा में फिल्म कर सकती हूँ। ये जिस तरह की फिल्में करती है उसकी भाषा हर आदमी समझ सकता है। अरशद वारसी का कहना है कि मैं कमाने के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। कमाने के बारे में अगर नहीं सोचे तो फिर फिल्में कम आने के बारे में तो सोचते। तुषार कपूर का कहना है कि उनको भी बड़े बड़े रोल ऑफर होते हैं। बिल्कुल, जैसे मामा का, दादा का, बाबा का, चाचा का, बाप का, ऐसे बड़े बड़े रोल, उम्र में बड़े बड़े रोल की बात करें। मनिंदर सिंह ने कहा धोनी दिमाग का जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए जिस खिलाड़ी की तारीफ करते हैं उन्हें टीम में नहीं लेते। कांग्रेस ने कहा बिहार से देश को बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता देश की भलाई के लिए कांग्रेस को वोट ना दे। कंगना रनौत ने कहा कि वो कुछ हट के फिल्में करना चाहती है। इनकी जो भी फिल्म आती है 2-3 दिन में हट जाती है, और कितना हट के दे रही है। बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा मुलायम प्रधानमंत्री के दफ्तर में झाड़ू लगाने लायक भी नहीं है। इस पर मुलायम का कहना यह है कि हाँ, झाड़ू लगाना तो उन्हें नहीं आता पर बर्तन बड़े अच्छी तरह से साफ कर सकते। बेनी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 50 सीटें मिलेंगी। इस पर उनके डॉक्टर ने कहा है कि क्या है कि बेनी को आंखों की ऐसी बीमारी है जिसमें हर नंबर के आगे उन्हें 0 दिखाई दे। धोनी ने कहा कुछ खिलाड़ी मानसिक तौर पर थोड़े कमजोर होते हैं। हाँ, ये वो हैं जो स्पॉट फिक्सिंग के दौरान कम दाम पर ही हाँ बोल देते हैं, जबकि संयम रखने पर ज्यादा माल मिल सकता है। कपिल देव ने कहा कि सुरेश रैना को मुश्किल परिस्थितियों में साबित करना होगा। इस पर रैना ने कहा कि उन्होंने कई बार साबित किया है कि मुश्किल स्थिति में वे फेल हो जाते हैं, अब और क्या साबित करना है। पवन बंसल को मिली क्लीन चिट, यानी चिट भी इनकी, पट भी इनकी। राज बब्बर ने कहा लोग 12 रुपये में भरपेट खाना खा सकते हैं। डिश का नाम है ख्याली पुलाव। केजरीवाल का चुनाव चिन्ह झाड़ू है। चलो, देश की उम्मीदों पर फेरने के लिए केजरीवाल को झाड़ू तो मिला। बस प्रभु बस, अब बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी है। बोलो, क्या यही मेरी जिंदगी है? भैया तुम तो एक जरिया हो, क्योंकि दुनिया एक दरिया है, दरिये में है मोती। बंद कर बकवास की पोती। जय। वैसे आज मैं किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के मूड में नहीं हूँ। सारा घर का काम मुझे ही करना पड़ता है, कोई भी मेरी मदद करने को नहीं आता। दिन रात में काम कर करके थक गई हूँ सुमित। आज ऐसे ही कुछ रैंडम बातें करते हैं ना,